दशरथ ने राम से यह तक कहा कि तेरी ये छोटी मां मुझसे गलत काम करा रही है बेटे, और तू इस समय सेनापति है, सारी सेनाओं का कंट्रोल तेरे हाथ में है, तू मुझे गिरफ्तार कर ले और मुझे जेल में डाल दे तो मेरा वचन भंग भी नहीं हुआ और तेरा राज्याभिषेक भी हो गया। मैं जेल में रह लूंगा लेकिन मैं तुझे निष्कासन नहीं दे सकता। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि ये तीर ये धनुष कंधे पे लटकाए घूमते हो, घर में अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, चुप बैठे हुए हो। कह रहे वल्कल्ला वनवास जाऊंगा, मैंने कैसे भाई की पूजा की, कैसे नायक हो। जब तुम कहते हो मेरे बड़े भैया कि मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगा तो अत्याचार तो यही हो रहा है घर में, तो तीर उठाते क्यों नहीं हो। तो राम ने कितनी अद्भुत बात कही। राम कहते किस पर तीर उठाऊं, इस मां पर बचपन में जिसका सपना देख के इसके पास आकर सोया हूं, इस पिता पर जिसने सुबह अपने बाल बनाते समय एक सफेद बाल देखा और उस बाल को देखकर गुरु वशिष्ठ के घर गए और कहा कि अब बस मेरा राज्य समाप्त हुआ, राम को दे दीजिए, या इस भरत पर पाप भी जिसकी सोच की सीमा के बाहर खड़ा होकर प्रणाम करता है कि यहां नहीं जा सकता। किस पर तीर चलाने के लिए बोलता है बता। राम कहते हैं कि बता मुझे, मैं किसको मार कर पातक लूं, इन तीनों में से किसे मार दूं। और आज समस्या क्या है, मुझे माफ करेंगी हमारी भाभियां, रात को टीवी पे क्या देख रहे हो, एक घर में तीन बहुएं हैं, पूरी रात षड्यंत्र चल रहा है, छोटी वाली ने बड़ी वाली का ऐसा करा, बड़ी वाली ने इसका ऐसा, ये अचानक नहीं हो रहा है, ये क्या सोच रहे हो आपकी कहानी चल रही है, कहानी तो रामायण की चली थी तो कर्फ्यू लग जाते थे, तुम्हारे हीरे मोती जा चुके, तुम्हारी विद्या जा चुकी, तुम्हारी सारी तकनीक जा चुकी, तुम्हारे लड़के जा चुके, सब जा चुके, तुम्हारे पास एक चीज बची है जिसे छीनने के लिए पागल है पश्चिम, और वो चीज है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संस्कार। अब इस पर डाका डालने की कोशिश है, कोई सीरीज देख लो, उसके 40 मिनट में एक बलात्कार होगा, एक हत्या होगी, एक संस्कृति और कला के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर गंदी गंदी गालियां होंगी। ये क्या है, ये धीमे धीमे आपके घरों तक जहर पहुंचाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है आपके सीरियल में, एक लड़का है घर में, वो लड़का चरित्रहीन भी है, वो जिससे उसका विवाह हुआ उसके बाद भी किसी से प्रेम में है, वो जिससे प्रेम हुआ उसके बाद तीसरे से भी किसी से प्रेम में है, उस परिवार की दोनों महिलाएं उससे विवाह कर चुकी हैं। आप में से किसी ने ऐसा घर कहीं देखा है, ये भारत के घर नहीं है, एक परिवार में भी ये संस्कार नहीं है। लेकिन ये डालने की कोशिश की जा रही है कि ये सही है। राम को त्रैलोक्य में सौंदर्य के पहले 5-10 नाम में आने वाली रावण की अनित्य सुंदरी बहन सूपनखा प्रस्ताव देती है कि जंगल है कौन देखेगा, मुझसे प्रेम कर ले, विवाह कर ले, और ये तो वैसे भी बिना मां बाप के तेरे साथ आई है तो सब निभा लेगी। राम कहते हैं माता मेरा विवाह हो चुका। लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण भी यही करते हैं, गुस्से में सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है और ऐसे में अस्त्र उठता है और उसकी नाक पर चोट लग जाती है जो रावण के गुस्से का कारण बनी है। ये राम है जो जंगल में भी मिले हुए इस अश्लील अशालीन असंस्कारी अपारिवारिक अवसर को ठुकरा देते हैं, और एक रावण है जो पंच कन्याओं में पूजित माता मंदोदरी का पति होने के बावजूद भी सिर्फ इतना सुनकर कि जंगल में दो लोग घूम रहे हैं उनकी बीवी बहुत अच्छी है उसके पीछे लग जाता है, इसीलिए उसके कुल वंश का नाश होता है, सारी पीढ़ियां ध्वस्त हो जाती हैं, सब लोग समाप्त हो जाते हैं। मैं केवल ये सोचता हूं कि अगर मेरे बोलने से 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग भी गुणात्मक परिवर्तन जीवन में हो जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। एक सज्जन ने मुझे चिट्ठी लिख कर दी ऐसे ही जैसे ये चिट्ठी आई है,
कि साहब वो मैं कल आया था, आपने राम और भरत के प्रेम के विषय में बताया, और मेरे सगे भाई साहब जो हैं वो हिम्मत नगर गुजरात में रहते हैं, और मेरा उनसे 25-30 साल से संपत्ति विवाद चल रहा है, ना मैं उनके बच्चों की शादी में गया ना वो मेरे शादी में आए, पर कल रात सुन के मैं बहुत रोया। अब कल जब आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो मैंने दोनों बेटों को बहुओं को लेकर मैं जा रहा हूँ हिम्मतनगर, और संपत्ति के और अदालत के सारे कागज लेकर उनके चरणों में रख दूंगा और कह दूंगा भैया जो आप जाने करिए, बस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चरणों में स्थान दीजिए। मुझे लगता है कि यही आपका पारिश्रमिक है, यही आपका प्रतिफल है। जिस समय आप दूसरे में ईश्वर देखना प्रारंभ कर देंगे, उस समय ईर्ष्या, कुंठा, बेईमानी, दुष्टताएं सबका विलोप हो जाएगा। और ये पृथ्वी इसीलिए बची हुई है अभी तक भी कि इसमें अच्छे लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, बुरे लोगों का प्रतिशत कम है। हमारे एक शायर का शेर है कि दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दोनों भाई थे, यूक्रेन और रूस, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, निरपराध लोगों को मार रहे हैं, और मरवा कौन रहा है? वो बाहर बैठा हुआ एक आदमी, वो यूक्रेन से कह रहा है चिंता मत करना, हथियार कितने में मिलेंगे तू जारी रख। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपके परिवार में बाहर खड़े हुए, जो आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को आपको सिखाएंगे कि घर में लड़ाई है जारी रख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, वो अपने साथ खड़े, आपके साथ नहीं खड़े हुए। जो भी व्यक्ति ऐसी बात करता मिले कि चिंता मत करना मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अपने भाई के खिलाफ हो जा, बहन के खिलाफ हो जा, माँ के खिलाफ हो जा, समझना कि वो आपके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान फायदा चलता रहता है, राम से सब छीना लेकिन सब मिला। इसीलिए मैं बार बार अपने सत्र में एक बात कहता हूं, महत्वाकांक्षा खूब रखिए, लालच शून्य रखिए। ये जो आपके पास है इसे जब तक पर्याप्त मानते रहोगे तब तक खुश रहोगे। जिस दिन दूसरे के पास जो है उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे उस दिन कष्ट में आ जाओगे। टेलीविजन पर क्या विज्ञापन आ रहा है, ये दो भाई बहन बैठे हैं, ये एक मामा जी बैठे हैं, एक माता बैठी है, इनमें प्रेम की क्या कमी है भैया? दो तिहाई शताब्दी से ज्यादा का प्रेम है दोनों का एक दूसरे से, भैया बहन का। हमको क्या सिखाया जा रहा है, रक्षाबंधन से 5 दिन पहले एक डायमंड की कंपनी आती है, वो कहती है इस रक्षाबंधन बहन को ये हीरा दे दो। हमको क्या सिखाया जा रहा है करवा चौथ पर, ये डायमंड दे दो। यहां तक कि घर में हम कौन सा कुकर खरीदे इस पर भी प्रेम, जो बीवी से करे प्यार वो इस फला कुकर से कैसे करें इनकार। यानी जिनके घर में वो कुकर नहीं आता वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। मेरे घर में शुरू में कुकर नहीं था तो मेरे पिता ने मेरी मां से प्रेम नहीं किया, कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। साधनों से अगर प्रेम होता, अगर साधन प्रेम का प्रतीक होते तो राम पिछड़ जाते, रावण जीत जाता। मुझसे लोग कहते हैं आगरे में एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखा करके ये प्रेम का प्रतीक है, इसे प्रेम का प्रतीक बताते हो, ये प्रेम का प्रतीक है। अरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक तो समुद्र के नीचे इकट्ठे हुए वो पत्थर है जिन पर मेरा राम चल कर गया। राम ने कहा है ऐसी की तैसी इस पर्वत की, ऐसी की तैसी एक समुद्र की। अगर मेरी प्रेमिका मेरी पत्नी के बीच में कोई आया है तो 7 समंदर पार छुपाओ, उसके घर में जाके मारूंगा। ये प्रेम है, इसे प्यार कहते हैं। प्रेम साधन पर कैसे निर्भर हो गया? महिलाएं एक दूसरे से पूछती हैं इस बार करवा चौथ पे क्या दिलाया, इस बार एनिवर्सरी पे क्या दिलाया। नहीं, उपहार देने चाहिए, लेने चाहिए, अच्छी बात है, पर इससे प्रेम कैसे जस्टिफाई हो रहा है? कोई ज्योतिषी बता सकता है कि इस वाली शादी में इतने कैरेट का हीरा दे दो इसके बाद तलाक नहीं होगा? बता सकता है?
नहीं बता सकता। लेकिन अगर माओ ने बेटियों में संस्कार डाले हों कि जिस घर जा रही हो उस घर में जो माँ है वो भी माँ ही है, अगर पिताओं ने पुत्रों में संस्कार डाले हों कि जिसकी बेटी इस घर में आ रही है उसका उतना ही अधिकार है जितना तेरा इस घर पर अधिकार है, तो हीरे की जरूरत ही नहीं है, घर ही अयोध्या बन जाएगा।